हाय वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट. मैं बेट फिएस्टा में हूँ घाटकोपर ईस्ट में. वो जीतू भाई. हाय गुड आफ्टरनून जीतू भाई. हाउ आर यू? आई एम फाइन. आफ्टर लॉकडाउन, आई थिंक लॉकडाउन के पहले हमारी वीडियो बनी थी. हाउ वाज द रिस्पांस टू अ डॉग वीडियो ऑन एफएसए एंटरटेनमेंट? बहुत अच्छा रिस्पांस आया है. बहुत लोगों ने कॉल भी किए. जो आपने बोला था कि किसी को अगर किट वगैरह चाहिए या जो भी हेल्प चाहिए तो उसके रिगार्डिंग कॉल आए. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैं ज्यादा बकरों की वीडियो डालता हूँ. आई वॉज नॉट श्योर कि भाई हमारे चैनल पे इसकी ऑडियंस है कि नहीं. बहुत सारे लोग हैं जो पेट लवर्स हैं, तो वो आपका चैनल देखते हैं. देखते हैं ना. ग्रूमिंग, हमने लास्ट टाइम प्रेडोमिनेटली ग्रूमिंग का वीडियो बनाया था. सो दिस पेट फियर्स बेसिकली ग्रूमिंग पार्लर. ग्रूमिंग पार्लर, ओके. एंड यू गेट ऑल पेट एक्सेसरीज, ठीक है. व्हाट एग्जैक्टली डू यू ऑफर ग्रूमिंग में? बेसिक ग्रूमिंग होता है. किसी को अगर मेंटेन नहीं होता है डॉग तो हम लोग उनको मेंटेन करके देते हैं. अगर उनको हेयर कट कराना है तो हम लोग कट करा के देते हैं. लेकिन मोस्टली हम लोग चेक करते हैं कि हेयर कट ना करें. ओके. क्योंकि अगर कोई सिज्जू पाल रहा है तो हम लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि वो हेयर उसके बढ़ाए. ओके. तो पहले प्रेडोमिनेंटली अपने पास सिज्जू का ही स्पेशलाइजेशन है. हाँ. और फरी डॉग्स, फरी डॉग्स मेनली सिज्जू. मेनली सिज्जू. तो सिज्जू क्या आकर्षित करता है आपको सिज्जू की तरफ? What attracts you? उसका कलर, उसका नेचर. मतलब जब से मेरे पास पहले बहुत बड़े बड़े ब्रीड्स थे, जब से मैंने एक सिज्जू रखा तो बड़े ब्रीड्स से छोड़ के अभी सब सिज्जू में ही मेरा ध्यान. ओके ओके. सो सिज्जू के बारे में कुछ बताया जो लोगों को नहीं पता है. ये कहाँ की ब्रीड है बेसिकली? ये तिब्बतियन ब्रीड है. और मोस्टली इनके बेस्ट पार्ट ये है कि इनके हेयर शेडिंग नहीं होता है. गिरते नहीं है इनके ज्यादा? गिरते तो है. मैं गिरते हैं बट आपके कपड़ों पे या आपके घर में ऐसे दिखेंगे नहीं. ओके. तिब्बत के मेनली है. तो आप बॉम्बे में रख रहे हो. आई सी दैट द टेम्परेचर दैट यू हैव मेंटेन्ड हियर, दिस मस्ट बी अराउंड 21 डिग्रीज. 22 डिग्रीज, राइट? वही जरूरी है, दिन भर एसी चाहिए? जरूरी नहीं है, बट जितना आप एसी का आदत कम डालोगे उतना उनके लिए बेटर है. ओके. इस वीडियो में हम एग्जॉटिक शिट्ज़ू कवर कर रहे हैं, राइट? पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज्ड लासा एप्सो and Shih Tzu. What are the major differences between Lhasa Apso and Shih Tzu? Lhasa Apso nature is very different. थोड़े cranky होते हैं, थोड़े aggressive होते हैं. अच्छा. But Shih Tzu are very lovable. Look wise, I mean, मैं आपकी आपी के साथ था कोई एक जगह पे, कोई एक बंदा आया बोला भाई ये Lhasa Apso है. And you were like very furious. बोले Shih Tzu को Lhasa Apso कैसे बोल सकता है? तो इंसल्ट हो गया ना. हम लोग जहाँ पे मिले थे उनके पास भी एक ब्लैक Shih Tzu था. जी. तो जो पर्सन वहाँ पे आया था उसको उसके बारे में पता नहीं था. तो उसने मतलब पूछ लिया कि लोगों को इतना ही पता है कि गोल्डन कलर में लासा आता है, ब्लैक कलर में लासा आता है, मतलब ऑड कलर में लासा आता है ये पता है, बट ये एक्सोटिक कलर्स में सिज्जू आते हैं बहुत कम लोगों को पता है. ओके ओके. तो लासा एप्सो और इसमें डिफरेंस क्या है? साइज भी थोड़ी बड़ी होती है. जो फेस है ना इनका सबका पंच आता है, लासा का थोड़ा बाहर आता है. ओके. और साइज लासा का कम? साइज ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. मैंने एक्चुअली पढ़ रहा था अभी अमेरिकन केनल क्लब जो है ना वो कुछ 196 डॉग ब्रीड्स को रिकग्नाइज करता है. एंड शिह ट्ज़ू इज सपोज टू बी द 20th मोस्ट पॉपुलर, यानी 20वें नंबर पे आता है. तो क्या वजह है कि लोग इनको इतना पसंद करते हैं वर्ल्ड वाइड? एक तो ये घर में रखने के लिए सबसे बेस्ट है. ज्यादा भोगते नहीं है. लासा एप्सो बहुत भोगते हैं. और इनका बेस्ट पार्ट है कि ये अटैच बहुत जल्दी होते हैं. ये जो है ना वो उनके ओनर के साथ या जो भी उनके साथ उनके अटैच बहुत ज्यादा होता है. स्ट्रेंजर्स के साथ भी इक्वली फ्रेंडली रहता है. यस, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन ना. कोई उठा के अभी किसी को अगर पेट्स पसंद नहीं है तो और अगर ये उनके ऊपर जाएंगे तो इरिटेट हो गया तो इरिटेट हो जाएंगे. तो फिर इट्स अ गुड थिंग. अगर फर्स्ट टाइम ओनर अगर कोई है तो हम लोग सजेस्ट करेंगे कि ये रखो. ओके ओके. शिह ट्ज़ू का मतलब बहुत से लोग हैं शिट ज़ू बोलते हैं. एक्चुअली ट जो है ना ट, इट्स नॉट द ट साउंड. मैं पढ़ रहा था अभी आपसे, आप जब ग्रूमिंग कर रहे थे ट इज प्रोनाउंसड ड. सो इट्स बेसिकली शिड ज़ू सो विद अ डी साउंड, बट स्पेल जब करते हैं तो टी, टी फॉर टैंगो लिखते हैं. यस, राइट. और शिह ट्ज़ू का चाइनीज मीनिंग भी आपको पता है? आई वाज रीडिंग बट आपको ऑलरेडी पता है. लिटिल लायन, इट मींस द लिटिल लायन. और इसके पीछे की स्टोरी आपको पता है क्या है? गौतम बुद्ध के ऊपर जब भी अटैक हुआ था ना तो उनके पास एक डॉग था, राइट? तो उसने लायन का लुक लिया था. एग्जैक्टली. मैं पढ़ रहा था अभी, इसमें लिखा है शिह ट्ज़ू वाज लाइकली गिवन दिस नेम बिकॉज टिबेटन बुद्धिस्ट जो थे एक गॉड ऑफ लर्निंग करके एक बुद्धिस्ट, आई थिंक गौतम बुद्ध के बारे में आप रेफर कर रहे हो, तो उनके पास एक जो डॉग चलता था वो था, वो लायन का रूप ले लेता था.
तो तब से उसका नाम पड़ गया शिट्जू। और हम दो पे ही फोकस कर रहा हूँ मैं। वन इज वेरी, जो सबसे खूबसूरत जो है और सबसे एग्जॉटिक जो है, वेरी सैड, वो थोड़ी नर्वस है, फर्स्ट टाइम बाहर आई है। तीनों लड़की है। इसका नाम क्या है पहली बारी का? इसका नाम है रेड चिली, इसका नाम है ब्लैकी और इसका नाम है इमली। ओके, ये तीनों जो है, दीज आर अनकॉमन कलर्स। यस, मैंने देखा हूँ व्हाइट, वो व्हाइट गोल्डन, व्हाइट व्हाइट और ब्लैकिश और अब्लक कलर में बहुत होते हैं, अब्लक में बहुत आपके घोड़े के लैंग्वेज में अब्लक कलर, अब्लक कलर। और ये जो है फुल ब्लैक बहुत कम देखने मिलते, बहुत रेयरली देखने मिलते हैं, और उसमें भी जेड ब्लैक मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे लोगों के जो चेस्ट है वो चेस्ट के ऊपर व्हाइट स्पॉट आता है, इसको नहीं है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कलर्स, आई एम सॉरी आई टू पॉज द वीडियो। ये वाली है, व्हाट इज हर नेम? रेड चिली। इसका कलर है गोल्ड विद ब्लैक मास्क। उसको साइड से पकड़ोगे आप, आई वांट टू सी कैसी दिखती हो। ये पूरी गोल्ड है और उसका जो मास्क है फेस का, द फेस, वो ब्लैक है। ओके, ये क्रॉस में ही होगा ना? ब्लैक नहीं, इनका अलग ही आता है। Okay. अगर समझो ब्लैक को आप ट्राई कलर के साथ मेट कर रहे हो, या ब्लैक को कोई डार्क कलर गोल्डन की अगर फीमेल है जी, उनके साथ मेट कर रहे हो, तो ये आएगा। ओके, ये कितने साल की है? ये अभी महीने की है, थ्री मंथ्स की है बस। इनका लाइफ स्पैन अंडरस्टैंड 11 इयर्स होता है, 11 से 13 इयर्स होता है, डिपेंड आप कैसे उसको मेंटेन करते हो। आपके पास सबसे बूढ़ा कौन सा रहा है शिट्जु? 6 साल का अभी तो है। That's it? अभी है यानी अभी शुरू किया आपने? 6 साल पहले शुरू तो किया है, बट मैंने जो रखा है वो 6 साल का है। मैंने जनरली डॉग्स का देखा हूँ ना, एक कहावत है पता है, लोग कहते हैं कुत्ते की मौत मरेगा। When I see lot of pet dogs dying, it's a very sad feeling for the owner. और मैंने देखा जल्दी बहुत तड़प के उनकी जो डेथ होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, लाइक बॉडी पार्ट्स पूरे चले जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ऐसा होता है जैसे ह्यूमन में जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो आप दिखना कमजोर हो जाता है, सेम लाइक डॉग में भी। ह्यूमन में बहुत कम होता है आजकल, तो हमारी तो 60 साल अटैक से चले जाते हैं या तो सडनली चले जाते हैं। इनमें भी वो सब होता है, बट जो एजेड डॉग है उनके दांत गिरना स्टार्ट हो जाता है, उनको दिखना कम हो जाता है, वैसा है। और बहुत ही मुश्किल होता है, आई मीन कीपिंग अ डॉग इज अ वेरी फन थिंग और बहुत फ्रेंडली है, लेकिन दैट मोमेंट जब 5 या 6 साल के बाद आपका डॉग नहीं रहता आपके साथ, तो लोग मैं देखा हूँ डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, वो सेम एक अपना घर का जो मेंबर है उसके जैसा ही होता है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे कोई आदमी अगर बीच में से चला जाता है, सेम डॉग का भी वैसे, सेम डॉग का इनफैक्ट लोगों को ज्यादा लगता है, अटैचमेंट ज्यादा, अटैचमेंट बहुत होता है डॉग का। वेट बेटा, तो ये वाली जो है नाम बताया था आपने इसका, रेड चिली, ये आपको देनी है? नहीं, ये घर के लिए, ये सारे जो है ये घर के लिए। These are your personal pets. So, शो वगैरह में उतार से, that's why I see यहाँ पे पूरा भंडार है। ये बेचने के लिए निकाल रहे हो क्या आप? नहीं, किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से बहुत जन मांगे है, बट वो नहीं पे कर सकते इतना क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। So, ये कहाँ कहाँ के आप शो? ये सारे मोस्टली गुजरात के है, बाद में पूना के है, गोवा के है। अच्छा, आर दीज डॉग शोज वेरी न्यूट्रल? Yes. हाँ, जैसे घोड़ों में वो होती है ना, बोलते धांधली का आरोप होता है, तो हर बार एवरीबडी हु लूजेस दे प्रोटेस्ट। जो होता है हर अभी भी होता, जरूरी नहीं है कि आपका ही डॉग हर बार जीते। बिल्कुल, अगर ये साल आपका डॉग जीत रहा है और नेक्स्ट ईयर अगर किसी ने अच्छा डॉग लाया उसका डॉग जीत रहा है, तो ये नहीं होता है कि मेरा डॉग लास्ट ईयर जीता तो मेरा आज भी जीतना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग हर साल अलग अलग डॉग दिला रहे हैं। अच्छा, स्पेशली फॉर शोज। तो बहुत से लोगों में वो हारने का वो नहीं है, बहुत जज्बा नहीं है, स्पोर्टिंग स्पिरिट नहीं होती है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। राइट, सो पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट, वेदर यू लूज और नॉट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। शो को शो के यहाँ तक ही रखो, शो ग्राउंड के बाद तो हम लोग दोस्ती है। राइट, जी, और बीच वाली जो है ब्लैकी, एंड ब्लैकी इज अराउंड 11 मंथ्स ओल्ड इज व्हाट यू सेड, 11-12 मंथ्स ओल्ड। एंड नाउ व्हाट इज द परफेक्ट एज फॉर देयर ब्रीडिंग, इनकी मेटिंग के लिए? 16-17 मंथ्स। एक लिटर जब होता है इनका, उसके बाद कितने समय का गैप देना चाहिए दूसरे मेटिंग के लिए? एक मिनिमम 1 ईयर। और लोग तो कितने ब्रीडर्स जो है धड़ाधम मशीन बना डालते हैं, ऐसा करते हैं, बट मिनिमम 1 ईयर का तो गैप चाहिए, तो उसमें वो टाइम में वो लोग भी कवर हो जाते हैं।
टीचर्स. सो बेसिकली इनको गैप देना जरूरी है एटलीस्ट एक साल का. क्या होता है अगर नहीं देंगे वो लोग को, उनका बॉडी भी उतना रेडी होना चाहिए कि बार बार लीटर देने के लिए. तो एक साल में कवर हो जाते हैं. ओके. और वैसे भी उनको हीट आती है 6 महीने में एक बार. तो आपको एक ही हीट स्किप करनी है. राइट. एक ही सेकेंड हीट तक तो वो एक साल हो ही जाता है. जी जी जी. और ये एक लीटर में अराउंड 4-5 पप से देता ना. अभी मैं फ्रेंड के बच्चे शेजू ने दिया है. ही इज गॉट लाइक मेरे 4 हुआ है उसको, जिसमें से हार्डली 2 बचे हैं. नहीं, मेरे पास 9 पपीज का भी लीटर. 9 पपीज का भी लीटर हुआ. बड़ी साइज की होगी बहुत. नहीं, फीमेल छोटी है. अगर कोई नहीं मान रहा है तो वीडियो में आपको बोल देता हूँ. अगर कोई नहीं मान रहा है तो मेरे पास उसका वीडियो भी है. 9 पपीज रिकॉर्ड बना दिया आपने. और उसके पेपर्स भी रजिस्टर हुए हैं. बच्चे कितने? सारे बचे. इनमें जनरली मैं देखा बहुत से लोग बचा नहीं पाते पपीज. नहीं, बहुत मोर्टेलिटी होती है. नहीं, मोर्टेलिटी इसके लिए होती है कि पेट में होने की वजह से लोग क्या करते हैं, उनको स्टार्टर चालू कर दो, हेवी प्रोटीन स्टार्ट कर दो, तो उनके वजह से बच्चे अंदर ही मोटे हो जाते हैं. ओके. तो इसीलिए उनको क्या देना चाहिए फिर अगर प्रेग्नेंट है? नॉर्मल जो आपका फूड चालू है ना वो रखो. आफ्टर 45 डेज आप उसको प्रोटीन वाला खाना दे दो. ओके. या फिर नहीं, अगर कुछ हो रहा है तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करो. डॉक्टर उनको प्रॉपर गाइड कर देंगे. ओके. कैन टू मेल डॉग्स बी केप्ट विद मल्टीपल फीमेल्स? क्या वो भी टेरिटोरियल होता है काफी इन लोग? नहीं, एक डॉग 2 या 3 फीमेल को कवर कर सकता है. वो भी तो मशीन नहीं है. नहीं, वो भी मशीन नहीं है. बट व्हाट इफ समबडी हैज टू मेल डॉग्स, कैन दे नॉट लिव टुगेदर? जैसे बिल्लों में नहीं होता है. बिल्लियों में आप दो मेल कैट जनरली नहीं रहता है. अनलेस दे आर फ्रॉम द सेम. अगर साथ में रखे हैं तो मेल रखे हैं शुरुआत से. बट अगर फीमेल के साथ दो मेल एक्स्ट्रा रखोगे तो वो लोग झगड़ा करेंगे. तो झगड़ा करेंगे. ओके. डॉग्स में भी वैसे. और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आया था कि इनमें इनब्रीडिंग होती है कि भाई बहन, भाई बहन, उसमें माँ और बेटा. उसमें कैसा होता है कि समझो आप अगर पपी कहाँ पे लेने जाते हो तो उनके घर पे आपको पपीज पसंद आ जाते हैं. तो आपका मन करता है यार मैं इसके भाई को इससे जुदा क्यों करूँ या इसकी बहन को इससे जुदा क्यों करूँ, तो आप दोनों ले लेते हो. तो समटाइम्स लोग मांगते हैं कि हमको पेयर चाहिए. बट लोग बोलते हैं हाँ ये भाई बहन नहीं है ले लो. तो वो टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है. क्या प्रॉब्लम होता है इनके बच्चों में? जेनेटिक उसका खराब हो जाता है. ओके. ओके. जैसे हिप डिस्प्लेसिया आ गया, वाइट फॉल्ट आ गया, आईज का प्रॉब्लम आ गया, स्किन का प्रॉब्लम आ गया, बहुत सारे प्रॉब्लम है उसमें. मोनोटेस्टिकल निकलते हैं. ओके. मोनोटेस्टिकल इनमें एक टेस्टिकल वाले भी होते हैं. एक टेस्टिकल वाले. ओके. व्हाट आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स दैट शिट्ज़ू हैव? मेन तो आईज का होता है बिकॉज इनके आईज जो है ना वो पॉपिंग होते हैं. बहुत पोर्टलूटेड बाहर की तरफ निकले हुए. हाँ, थोड़े बाहर निकले हुए होते हैं. तो इसमें क्या है अगर आप केयर नहीं करोगे, जैसे पोनी बांधी है तो बहुत टाइम पे होता है कि वो लोग नेल के ऊपर नेल से वो पोनी निकालने जाते हैं तो नेल आपको लग जाता है. अच्छा अच्छा. अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बाल बाजू के काट दो, अगर आप घर में रख रहे हो तो वो सजेशन बेटर है काट दो, बिकॉज वो बढ़ने के बाद है ना आईज में जाते हैं. अगर आप रोज उसको शेप नहीं दोगे नीचे आने का तो मूंछें नहीं बनेंगी. ओके. इसीलिए इनकी पर्सनालिटी के बारे में बताएं आप. वो हाउ इज देयर पर्सनालिटी? दे आर लाइक वेरी, यू सेड वेरी फ्रेंडली होता है. बिसाइड्स दैट कुछ बताएं जो हमें नहीं पता शिट्ज़ू के बारे में, जो आपने पाल के सीखा है. मैंने तो एक ही देखा है, बहुत लवेबल है. बहुत ज्यादा मतलब अटैचमेंट होता है. बाकी का डॉग्स भी है, ऐसा नहीं है कि हर एक का डॉग उनके लिए बेटर होता है. बट अगर कोई एक बार शिट्ज़ू पालता है तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरा कोई डॉग पालेगा. ऑन एन एवरेज कितने ही आ जाते हैं शिट्ज़ू के पपीज? डिपेंड है. अभी तो लोग 20 में भी बेच रहे हैं, 25 में भी बेच रहे हैं. ऐसी एक्सोटिक वैरायटी? एक्सोटिक महंगी आती है. कितने की अप्रोक्सीमेटली? 40+ 40 से ऊपर के. और कितने महीने के बच्चे जो रहते हैं सेल्फ फीडिंग पे रहते हैं? सेल्फ फीडिंग पे रहते हैं. बट हम लोग सजेस्ट करेंगे कि 2 महीने के ऊपर के बच्चे ले लो. 2 महीने माँ का दूध जरूरी है? 2 महीने नहीं, 35-40 डेज तक तो माँ का दूध जाता है. ओके. बट उसके बाद उसका इम्यूनिटी बूस्ट होने के लिए जब वो फूड पे आता है ना तो 7-8 दिन उसको फूड डाइजेस्ट होने में लगता है. ओके. तो 2 महीने तक उसका डिवर्मिंग भी प्रॉपर हो जाता है, उसका वैक्सीन भी प्रॉपर हो जाता है. ओके. चलिए इसके बारे में बताया हमने, 2 तो देख लिया. ये जो है सबसे क्यूट और सबसे, आपने कहा सबसे एग्जॉटिक है, ऐसा शायद ही किसी के पास आपने देखा है. मैंने तो नहीं देखा है. नाम है इमली. 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 और ये कितने महीने की है? ये 3.5 मंथ्स की है. इमली को क्या है? मैंने इमली बड़ी उदास है. उदास नहीं है, नई जगह पे है. नई जगह पे है और उसको वॉश किया है तो वो रिलैक्स है. ओके. सर्दी भी होगी मैं देखा. सर्दी नहीं है. उनका नोज आप कभी भी देखोगे ना वेट ही रहेगा. ओके. ओके. ये कौन सा कलर है? आप उठाओगे जरा इमली को? आई वांट टू सी द कलर. अरे इसके इसके जो पैर है बहुत खूबसूरत अलग है. पैर खूबसूरत. इसका कलर है चॉकलेट एंड टैन. कोई कोई उसको लीवर एंड टैन भी बोलते हैं. ओके.
ऊपर जो कलर है वो चॉकलेट या लीवर जो आप बोलो, नीचे टैन कलर है, तो ये दो कलर में। और ये ब्रीड का और एक स्पेशलिटी है, जैसे कोई भी आप लीवर डॉग ले रहे हो ना, तो उसमें आईज भी उसकी लीवर है, नोज भी उसकी लीवर है जी, और उसके पॉ भी लीवर है, पूरी मैचिंग है। हाँ, सब मैचिंग है। प्रीटी नाइस यार। तो ये दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन ऑफ द लॉट। हाँ, बिकॉज ऑफ द रेरिटी। कोई शो वगैरह में उतरी है अभी? क्या उम्र? अभी उतरेगी 3.5 months के, आफ्टर 6 months। आफ्टर 6 months ओनली यू आर एलिजिबल। ओके, बॉम्बे में होते हैं शिज़ू के शोज वगैरह? होते हैं, अभी कोविड की वजह से 2 साल से तो शो हो ही नहीं है, अभी स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, अच्छा ये बताइए, आप यू आर बेसिकली ग्रूमिंग पार्लर ओनर, इट्स अ पेट शॉप एज वेल, रजिस्टर्ड वन। इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या चेंजेस लाना चाहिए ताकि पेट शॉप ओनर्स को बढ़ावा मिले और जो पेट ओनर्स हैं उनको बढ़ावा मिले? ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस अप्रूव किया है। अगर आपको शॉप में कोई पपीज रख के बेचना है या आपको ब्रीडिंग करनी है तो ब्रीडिंग लाइसेंस यहाँ पे अप्रूव किया है। और महाराष्ट्र में प्रसाद शर्मा करके है जो पीपीडीए करके एक एसोसिएशन है वो चला रहे, तो वो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं वो लाइसेंस निकल के देने के। ओके, तो क्या आपको क्या मदद चाहिए सरकार से, आप क्या चाहोगे कि भाई ये हमें चाहिए? सरकार से यही चाहेंगे कि आपने जो हमको ये चांस दिया है तो हम लोग भी उतना ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो उतना हम लोग भी केयर करेंगे, बट थोड़े जो रूल्स है वो थोड़े कम कर दो। बहुत सारे रूल्स है कि इतने इतने जगह में आप नहीं कर सकते, बट उनका भी ठीक है, उनका कहना ठीक है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि इंडिया में पीपल आर बाउंड बाय स्पेस कंस्ट्रेंट, आप एक छोटे से गाले में कितने रख सकते हो ना? गाले का सवाल, उनका क्या बोलना है, आपको पालना पालो, पर उनको कहीं पे भी उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर रहने चाहिए, वो उनका फीडिंग है, उनका रहने का जो जगह है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्लीननेस होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। पेट ओनर्स को क्या है डिफिकल्टी? ये तो आपका हो गया, पेट ओनर्स को डिफिकल्टी नहीं है। अगर समझो कोई सोसाइटी में रह रहे तो यहाँ पे बॉम्बे में आफ्टर 6 months वो लाइसेंस उसका निकाल सकते हैं। मैं तो देखा कितनी सोसाइटीज तो दे बार पेट्स, बहुत सी जगह गार्डन्स में मैं देखता हूँ लिखा हुआ है पेट्स नॉट अलाउड। वो रूल्स अगर सोसाइटी ने फॉर्म किया है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं, एक्चुअली पता है ये आपने इंडिया में ऐसा है कि भाई अगर आपका कुत्ता जाता है, फॉरेन में ऐसा है मेरे ख्याल से, अगर आपका कुत्ता कहीं पूप भी करता है यू हैव टू क्लीन योर मेस। इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में छोड़ इंडिया देते, में छोड़ देते, छोड़ देते, भी नहीं देंगे, इसीलिए शायद सोसाइटी जो है pretty... तो अगर हम लोग अपना डॉग है और अपना हम लोग क्लीननेस अगर खुद करेंगे बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अलाउ नहीं करेगा। कोई पपी लेता है अगर नया, हाउ डू यू लेट ट्रेन अ पपी? वो तो पॉटी ट्रेनिंग स्प्रे आते हैं, पॉटी ट्रेनिंग पैड्स आते हैं, उसके ऊपर कर सकते हो आप। नहीं, जिसके पास इंग्लिश कोमोड है, देसी नहीं? नहीं नहीं, तो उनको वो कैसे जाते उसके लिए लिटर ट्रेन यानी बाथरूम में जाने के लिए बाथरूम में जाने की जरूरत ही नहीं है, उनका एक पॉटी ट्रेनिंग पैड मिलता है। ओके, जो ये देखो अभी यू हैव इट, ओके, तो इनके के डायपर जैसा शीट्स होते हैं क्या? ओके, हाँ, तो ये शीट्स आपको खाली एक पर्टिकुलर जगह पे रख देना। ओके, डॉग जाएगा स्मेल करेगा उसके ऊपर करेगा। अच्छा, तो ये आप बाथरूम के बाहर के साइड पे रखोगे तो भी चलता है, या फिर आपका बालकनी है वहां पे रखोगे तो भी चलेगा। बट सुसु के लिए तो इनको बाहर ही ले जाना पड़ेगा, इसके ऊपर ही करेगा वो। जब ही पपी है पर हैज टू बी अ वॉल ना, वर्टिकल ना? नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे पपी है ना, तो पपी है तो जब तक वैक्सीन नहीं हो जाता है उसको नीचे नहीं लेके जा सकते। ओके, आफ्टर वैक्सीन आप उसको नीचे लेके जा सकते हो तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो दो टाइम भी अगर आप उसको प्रॉपर वॉक करा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, उनको आदत हो जाता है नीचे जाने का। ठीक है, ये है ब्लैकी, दिस वन इज इमली, एंड दिस वन रेड चिली। द नेम इज लिटिल लॉट, रेडनेस तो है ही नहीं, रेड चिली कहाँ पे डाल दिया? जानबूझ के डाला है, जानबूझ के डाल दिया, आपको याद रहेगा नाम। देना है तीनों? नहीं, कब देना है वो नहीं पता है। हाँ, मतलब अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। ओके ओके, हाँ चलिए, जिस किसी को भी यहाँ पे आना है ग्रूमिंग के लिए, वैसे आप लॉजिंग एंड बोर्डिंग भी ऑफर करते, ग्रूमिंग तो करते ही? लॉजिंग बोर्डिंग का नहीं करते, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, किसी और का डॉग है उसको केयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यही तो दिक्कत आती है, लोग पेट्स कैसे रखे, किसी को ट्रैवल करना होगा तो क्या करें? बहुत सारे लॉजिंग बोर्डिंग्स हैं बॉम्बे में है, बॉम्बे में है। अच्छा, आप अगर सर्च करोगे तो बहुत सारे और अच्छे अच्छे है, जैसे कोई मतलब प्रॉपर एसी भी है और हाइजीनिक वाले भी है, बहुत अच्छे अच्छे। आप नहीं करते हो? मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के डॉग है उसमें मैं दूसरा डॉग नहीं लाता। अच्छा, सो वेयर डू यू सोर्स योर डॉग्स फ्रॉम? ब्रीडर्स? कि भाई आप
घूमते हो पूरे शोज वगैरह नहीं में, जैसे कॉन्टेक्ट्स होते अभी, हैं। जैसे आप अभी आपकी वीडियो में आप बकरे वालों का हाँ डालते हाँ हो, हाँ तो वैसे हम लोग का भी, हम लोग के ग्रुप से कम्युनिटी वगैरह हम है। लोग जैसे शो में जाते हैं तो एक दूसरे से पहचान हो जाती है, तो उसमें पता चलता है किसके पास क्या लाया है। कोई फर्स्ट टाइम अगर पेट रखता है, डॉग रखता है, उनके लिए सुटेबल है कि उनको कोई और लेना चाहिए? एंड देन नहीं, बिकॉज अगर दीज, फर्स्ट टाइम ओनर है तो वो हाँ सबसे बेस्ट है। बट दीज आर वेरी हाई मेंटेनेंस। ऐसा लोगों को लगता है कि इसके बाल बहुत बड़े होते हैं, ये होता है, बट आप उसको पपी कोट भी करके रख सकते हो। अगर मेंटेन करना है तो इजी टू मेंटेन है, खाली दिन में 2 बार ब्रश करना है बस। ये आपका मैं अभी देखा, आई वॉज लाइक लिटरली आई वॉज अबाउट टू गो बैक होम। मेरा जीतू भाई का कब ग्रूमिंग कम्प्लीट होगा? दे इट टुक ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स तीन हाँ, डॉग्स अगर को आपको ग्रूम करने के प्रॉपर लिए। प्रॉपर रेडी करना है तो उतना टाइम तो उतना लगता ही टाइम है। लगेगा शो के लिए प्रिपेयर करने के लिए? आपकी क्या शो के लिए तैयारी तो होती है बहुत खास? ज्यादा एक मेन तो जो कोट है वो कोट मेंटेन करना पड़ता है। ये जो कर रहा है ना, कर रही हाँ, है ना, व्हाट इज शी डूइंग? शो जो ये खेल रही है। ये खेल रही है आप, ये देखो क्यूट ना। उसको मतलब अभी एक तो टेबल पे बैठने की ज्यादा हाँ आदत है हाँ नहीं, तो बोल रही है अभी बस कर। इन तीनों की पर्सनालिटी क्या फर्क है? वो विच वन डू यू लाइक? नहीं, अभी तो ये बच्चे हैं, अभी तक हाँ ये इतने एक्टिव नहीं है, ये बड़ी हो गई है तो इसको समझ है कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो वाली, वो भी छोटी है वो भी छोटी है। बट समझदार तीनों है। और इनको आप हमेशा, इतने सारे डॉग्स हैं आपके पास, कितना समय घुमाना फिराना पड़ता है इनको? एक्सरसाइज भी तो जरूरी दो होगी, नहीं टाइम तो तो हम एकदम लोग एनी ये हाउ भी उनको फूल बाहर जाते हैं निकाल, लैब जैसा? नहीं, ये नहीं फूलेंगे? ये मतलब फीडिंग के ऊपर डिपेंड होता है। आप अगर उनको प्रॉपर डाइट दे रहे हो ना और प्रॉपर मेंटेन रखोगे तो ये नहीं फूलेंगे। क्या चीज़ है जो नहीं खिलाना चाहिए? लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं और जैसा कुत्ते को कि दे देते हाँ, हैं। लोग बोलते हैं कि दूध पीता है, कोई कोई डॉग दूध पीता है, बट हम लोग तो बोलते हैं अवॉइड करो। बचपन से अगर आदत है तो वो पी रहा है, बट अवॉइड करना चाहिए। बाद में मैदा वाला कोई भी चीज है, जैसे ग्रेप्स, फ्रूट्स में ग्रेप्स आ गया, मल्टी सीडर जो भी ककड़िया हो गई वो नहीं देना। आप कैरेट दे सकते हो, बीटरूट दे सकते हो, पम्पकिन दे सकते हो, पनीर दे सकते हो, पनीर वगैरह दे, मिल्क प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट दे सकते हो, जैसे आप लेकिन मिल्क नहीं दे कर्ड दे सकते, सकते हो, राइट? प्रोबायोटिक है तो कर्ड दे सकते हो, बट ओके मिल्क नहीं दे सकते। ओके ओके क्या शिजु के लिए कोई स्पेशल फीड आती है विच यू सेल? स्पेशल ऐसा नहीं है, अभी जैसे समझो मेरे घर पे ब्रीड होता है तो उसकी माँ अगर रॉयल कैनिंग खा रही है या पर्टिकुलर जो भी ब्रीड ये खा रही है ब्रांड, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि कम से कम 8-10 दिन तक तो वो पपी को आपके घर पे जाने के बाद वही दो। ओके 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 फिर वो लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कौन सा बेटर फूड तो है। चेक कर लो जहां से लेते हो कि क्या दे रहे हैं, हाँ, एंड कंटिन्यू द बेस्ट, सेम थिंग। हाँ बेस्ट वो है, जहां से भी ले रहे हो उनको ये पूछो कि आप उसको क्या खिला रहे हो, राइट राइट, देन उसके बाद आप उसको कम से कम 8 दिन तक वही खिलाओ। ओके ओके ठीक है, चलिए। वंस अगेन, एनीबडी इंटरेस्टेड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट शिह त्ज़ू, जिनको ग्रूमिंग के लिए आना है बम्बई, या तो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनका नंबर जो है मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ। क्या नंबर है वैसे आपका? 7738 हाँ 7372 75। ठीक है, ये पेट फिएस्टा का इंस्टाग्राम पेज भी है ना, जी कर हाँ। रहा हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके बाद हम देखेंगे द रेगुलर शिह त्ज़ू रेगुलर पपीज। पपीज ओके।